अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। घंटे का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप देख रहे हैं SPG 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लैबोड्रम ओसी क्रीम के बारे में, कि इस क्रीम से आपको क्या लाभ है, कैसे इसका प्रयोग करना है और किस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपको कहीं पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर कहीं पे त्वचा पे आपके लाल चकत्थे पड़ गए हैं या फिर आपको खुजलाहट हो रही है किसी एक स्थान पे या फिर आपको दाद हो गया है, तो उस केस में इस क्रीम का आप प्रयोग कर सकते हैं, या आपको बेटर रिस्पॉन्स देगी। दोस्तों जैसे आपका डर्मीफोर्ट जिस तरह से आपको रिस्पॉन्स देता था, उसी तरह से ये क्रीम भी उससे भी बेटर रिस्पॉन्स देगी, नहीं डर्मीफोर्ट से भी बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की, फार्मूले इसमें कौन कौन से पड़े हुए हैं, तो इसमें अफ्लाक्सासिन है, ओरिंडाजोल है, टर्बिना फाइन है, क्लोबेस्टासोल है, टोटल इसमें 5 फार्मूले पड़े हुए हैं। और ये जो क्रीम आता है 15 ग्राम में आता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कंपनी की, तो इसकी कंपनी है लैबोरेट, लैबोरेट कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है और इसका प्राइस है 70 रुपये, यानी 70 रुपये में इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी सेपरेट स्थान पर खुजलाहट हो रही है या फिर लाल चकत्थे हैं या फिर दाने पड़ गए हैं, इस तरह के कोई आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो उस केस में आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के उंगलियों के बीच में खुजलाहट होने लगती है ठंडी के दिनों में, तो उस केस में भी इसका उनको प्रयोग कर सकते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। दोस्तों इस क्रीम का इंटरफेस इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं क्रीम किस तरह से दिखती है। यहाँ पे लैबोरेट का ब्रांडिंग है और यहाँ पे लैबोड्रम ओसी लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रश्न है इस क्रीम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।